तो भाई वो तीसरे के हाई तक लगा दिया, लेकिन लो आरपीएम होने की वजह से। यूट्यूब चैनल गुरमीत दी फार्मर, तो मैं गुरमीत सिंह स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम हैरो पे अपने ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस चेक करेंगे, सभी गियरों में चलाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जिस जिस गियर में ट्रैक्टर चलेगा उस गियर में हमारे ट्रैक्टर को चलाएंगे, फुल आरपीएम पे भी चलाएंगे और रेटेड आरपीएम पे भी चलाएंगे और 1400-1500 चक्कर पे भी चलाएंगे। आप कमेंट करके बताना कि कौन सा गियर कितने आरपीएम परफेक्ट है ट्रैक्टर के लिए, हैरो के लिए। फुल हैरो खोल के 8-8 की हैरो आपको हम आज दिखाएंगे। तो गुरमीत, कौन से गियर से शुरुआत कर रहे हो? हाई गियर। हाँ, और 1500 आरपीएम। ठीक है, तो दिखाओ पहले, दूसरा हाई लगा लो, फिर हाई लग गया, ये दूसरा लग गया, लीवर दोनों डाउन हो गए, फुल डाउन है। ठीक है, चलो जी। भाई हाई लो मीडियम वाले ट्रैक्टर का दूसरा हाई है ये। तो भाई वो ट्रैक्टर तेज चल रहा है, भागने भूगने का तो इसके साथ कोई सिस्टम नहीं है। हाई चक्कर कर ला, हाई हाई फुल हाई चक्कर कर ला। हाँ अगे कैन पैया ना दैड दी। तो भाई देखो दूसरे हाई में परफॉर्मेंस, तो ये तो हैरो तोड़। तो भाई हैरो लग नहीं पा रही, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए होए होए, हैरो तोड़ सौदा है भाई। तो भाई परफॉर्मेंस दिखानी है, हैरो नहीं तोड़नी वैसे। अब इसे कम आरपीएम में 1500 आरपीएम में चौथे के मीडियम में चलाएंगे। तो चौथे का मीडियम दूसरे के हाई से भी तेज है। ठीक है, ये चौथे का मीडियम लगा दिया, चेक कर लो चाहे। तो भाइयों जो स्पेशल एडिशन है, वैसे ही इस ट्रैक्टर का नाम स्पेशल एडिशन नहीं है, तो इसको कैसे भी जो है ज्यादा तेल खिला लो, कम परफॉर्मेंस पे चला लो, जैसे मर्जी चला लो, एवरग्रीन ट्रैक्टर है जी ये। कोई हालांकि इतनी तेज जो है चलाना नहीं चाहिए ट्रैक्टर को। एक बार वो कर दो, पहले के हाई में फुल आरपीएम पे चलाओ, पहले के हाई में जो मजा आए पीछे हैरो में भी, और जुते हुए बाहन में लेके आना पहले हाई में, पहले का हाई लग गया फुल आरपीएम फुल। तो पहले का हाई जो गेयर है जी, बहुत ही सटीक गेयर है इसका, कल्टीवेशन के लिए और आपका हैरो के लिए, चाल भी फुल है जी, ट्रैक्टर लोड भी नहीं मानता। वाह जी वाह। तो पंगा ही रहे हैं बिल्कुल ही। तो
तो भाइयों तीसरे के हाई तक लगा दिया, लेकिन लो आरपीएम होने की वजह से रोक ला बंद कर ले भाई, बंद कर ले ट्रैक्टर को, बंद कर ला। तो गुरमीत जो इसका बहाई जुताई के लिए आप सबसे बेस्ट गियर कौन सा मानते हो? जो मैं इसका 8-8 की हैरों पे रिकमेंड करता हूँ वो गियर है फर्स्ट हाई, और अगर हमें थोड़ी सी चाल ज्यादा चाहिए जहाँ पे ट्रैक्टर बिल्कुल नॉर्मली चलता है वहाँ पे है तीसरा मीडियम। ठीक है, थर्ड के मीडियम में जेन्युइन सी मतलब जगह ने फुल नहीं खोल ली, पहले हाई से कम है चाल थर्ड के मीडियम में, थोड़ी ज्यादा है ना, दूसरे हाई से कम तो बीच की चाल मिल जाए, चाल है वो पहले हाई से थोड़ी ज्यादा। ठीक है, हम 1500 आरपीएम पे बहुत इजीली चला सकते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है वहां पे। अच्छा, ये आप एक बार और भाइयों का कंफ्यूजन दूर कर दो, बहुत सारे भाई वीडियो देख के इसकी एवरेज के कि भाई एवरेज, अब मैक्सिमम तेल भी बता दो इसका। मैक्सिमम तेल खाने को ट्रैक्टर तो, खुवाने को तो, जिस तरीके से हम इसे ओवर खुवाएंगे जब ट्रैक्टर को फुल रेस पे चलाएंगे तो ट्रैक्टर 8-10 लीटर तक भी खा सकता है। हाँ, 55 HP के ट्रैक्टर पे बकायदा ये चीज मेंशन करी होती है कंपनी ने SFC के रूप में, यही ट्रैक्टर कोई भी ट्रैक्टर जो 50-55 HP में है वो ट्रैक्टर इतना तेल खाएंगे। हाँ, जो भाइयों को बात एवरेज की करते हैं हम, एवरेज जो प्रॉपरली निकलती है वो 1600 आरपीएम पे ही निकलती है। हाँ, तो भाइयों जेन्युइनली सही 100-150 आरपीएम ड्रॉपेज पे, इसके अगर ज्यादा ड्रॉपेज हो रही है या तो ट्रैक्टर में कमी है या इम्प्लीमेंट मिसमैच है, कोई भी कारण हो सकता है इसका। अभी ये पे जैसे हमने तीसरे के हाई में चला के देखा वो तो हम एक ट्रैक्टर की पावर देख रहे थे कि चला रहा है या नहीं चला रहा, उसमें कोई ये चलाने का हल नहीं था, वो तो एक अपना इम्प्लीमेंट तोड़ने का एक वो तरीका है कि हमने इम्प्लीमेंट तोड़ना है। अगर हम इसे सिंगल बाई में चलाते हैं तो मैं हमेशा दूसरे के हाई में चलाता हूँ सिर्फ और सिर्फ 1300 आरपीएम। तां वीरो पंजाब वाले वीरां नूं एक गल क्लीयर कर दवा, बहुत बड़ी एक मेथा भी स्पेशल एडिशन बहुत तेल खांदा, इनू जैस जै चलाएंगे उस जै ही तेल खांदा। तो भाई जो स्पेशल एडिशन ट्रैक्टर है, बहुत सारे भाई कहते हैं जी डीजल बहुत खाता है, हाँ जी ये डीजल बहुत खाता है लेकिन काम भी वैसा ही करता है, तो इसको जैसे मर्जी चला लो। अगर हम इसे जेन्युइन चलाए 1600-1700 आरपीएम पे और तीसरे के मीडियम में, ये ट्रैक्टर 5 एकड़ हैरों सीधा टक हो जैसे हमारे हैं, 5 एकड़ हैरों बड़े इजीली निकाल देता है। ठीक है, 5 एकड़ में हैरों सिंगल निकाल देगा ये। हाँ, तो उसमें 6-7 लीटर डीजल खा ले तो क्या दिक्कत है, बात नहीं है, तो उसमें एवरेज हमारा 1.25 लीटर तो एवरेज ना खाली भाई, घंटों की नापा करो, जो है ट्रैक्टर का कार्य क्षमता भी देखनी चाहिए कि कवरिंग एरिया क्या है, है ना, वही तो बात है, एवरेज मेन हुई वही चीज है कि घंटे में ट्रैक्टर काम कितना कर रहा है। हम ये तो देख लेते हैं ट्रैक्टर घंटे में तेल कितना कर रहा है, बट हम ये नहीं देखते कि काम कितना कर, और काम की क्वालिटी क्या है ना। अगर हम ऐसे फुल हैरों खोल के किसी 40-45 HP के पीछे डालते हैं तो वो ट्रैक्टर कम से कम 300-400 आरपीएम ड्रॉपेज करके चलेगा और काम की क्वालिटी नहीं आएगी, घंटों मुताबिक चाहे वो तेल थोड़ा कम भी खा ले लेकिन कवरिंग एरिया घट जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग तेल कम क्या खाएगा, जब ट्रैक्टर ओवरलोड चलेगा वो तो ट्रैक्टर तेल इससे ज्यादा खाएगा। ठीक है, ट्रैक्टर अंडरलोड चलेगा तो अच्छी एवरेज आएगी। ठीक है।